अम्मा घणी सा आप हमारे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज पूरा राजस्थानी वाइब के साथ है आप इन ब्लॉग में स्टार्ट करा ला। तो वेलकम बैक गाइस। गाइस कहाँ जा रहे फ्रेंड्स? श्री राजभोग। कभी खाया पहली बार? फर्स्ट टाइम राजस्थानी फूड? यस। हाँ फाइनली मासब दाल बाटी जी मुख होने श्री राजभोग आएगा और अटे सब प्रियांशु प्रियंका रितिका अभिषेक ये सब अपनी फोटो ले लिया। कैसी वाइब्स आ रही है यहाँ पे? अभिषेक थोड़ा ढंग से तो बैठ जाए यार, ऐसा चौड़ा होके बैठा है। बहुत देर जगह बैठा और भैया जी आएगा राजस्थानी खानों परोसन वास्ते और फटाफट पहले हाथ धो लिया मां सब और खचे मान साथ छात्र साथ चालू। राजस्थानी थाली में सबसे पहले चूरमो सांगरिया सब्जी पनीर की सब्जी आलू मटर की सब्जी गट्टा की सब्जी दाल की सब्जी एंड खाटो जो राजस्थान में बोलते हैं बाकी कढ़ी और ये सब चटनी समोसे और सब गुजराती डिश ढोकला और यहाँ पे रोटियाँ हैं पापड़ रखे हैं बाजी रोटी मक्की की रोटी बासमती रोटी और जलेबी। अनुप्रिया कैसा है? फूड फॉर फूडीज क्या कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? वही कैसा लग रहा है? और सभी को आने के लिए सजेस्ट करी? हाँ सब आने मस्त ट्राई प्लेस है जरूर आना। हाँ जरूर बहुत अच्छा है जरूर आना एक बार अच्छा लगेगा। बेबी रो रहा है सबने हार मान ली पर अभिषेक ने हार नहीं मानी और इसने भी। अभिषेक इतना पसंद आ गया क्या राजस्थानी खाना भाई? कितना खाएगा अभिषेक? थोड़ा कम खा ले। ये दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है कौन सबसे ज्यादा खाएगा। कितने का वसूल हो गया अभी? 300-400? ये भिखारियों की तरह मांगते हैं। भिखारी नंबर 1, भिखारी नंबर 2, भिखारी नंबर 3, भिखारी नंबर 4 और इन सबका वीडियो बनाते। कैसी लग रही है भिखारी सब? देखो भिखारियों को नहीं आ रही ठूस रही है मस्त। क्या मनन से तुम क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा राजस्थानी खाना? बहुत है तू अच्छा नहीं लगा मैं जाओ। वो मैं काट दूँ। कैसा लगा आदर्श? कैसा लगा तेरे को? ढोकले। तू राजस्थानी थाली में ढोकले का नाम तो मत ले बिल्कुल भी। ढोकला है दाल बाटी। आदर्श क्या अच्छा लगा? जलेबी चूरमा दाल बाटी एक नंबर है। अभी अंदर के भिखारी बार बारिश में नाचने लगे हैं। है प्रियांशु हो गया ना राजस्थान का खाना खा कर इतनी नवा भी तो नहीं आनी चाहिए भाई। मैं यार कैसा लगा प्रियंका आज खाना बता सच? अच्छा ही था। मतलब तुम नॉनवेज खाने वाले फर्स्ट टाइम चिकन खाए? नहीं सॉरी नॉनवेज खाने वाले फर्स्ट टाइम वेज वो भी राजस्थानी खाना। हाँ मतलब ठीक था मतलब चलेगा क्योंकि मैंने इससे पहले भी खाया राजस्थान में तो इससे तो थोड़ा सा कम ही था बट चलेगा। अच्छा ना मतलब? हाँ ठीक है एक बार आना चाहिए। राजस्थान इज बेस्ट। ये राजस्थानी खाना खाने के बाद हम आए हैं सिनेपोलिस। टू मच बारिश। आज संडे होते हुए भी इतना मॉल पूरा खाली खाली लग रहा है यार। बेइज्जती हो गई इसकी तो। धू ये पैसों की कमी के चक्कर में वापस जाते हैं। है रितिका पैसे नहीं है ना? बस चैनल चल नहीं रहा फूड एंड फूड फूड पैसे लग जाएंगे।
70 कृतिका फाइनली राइड मतलब अच्छा वो रोलर कोस्टर वाला ठीक है और एक हॉरर वाइल्ड वाइल्ड वाला अच्छा रहेगा एनिमल्स वाला ठीक है भैया चलो कहाँ पे जाना है चलो भैया रितिका कैसा लग रहा पीछे देख हाय पता नहीं भाई उसको हम नहीं संभाल सकते अलग टाइप का बंदा है अनुप्रियन कर रखा होगा कैसे बोल किसको बोलूं बाहर जाके है कैसा लगा 70 बकवास भाई कैसा लगा 70 कैसा लगा अबे यार भैया ने पहले वाइट लगाया फिर और बट मजा ही नहीं भाई ये सारी चॉकलेट खरीदनी एक दिन कितने का सस्ते लोग ये ले शैम्पू ये ले अब ये देख कितने की चॉकलेट है 55 अपने पैसों से कितना क्या कितना फ्री में कमेंट खत्म टाटा बाय हाँ ये ये हमारा भूतिया बर्गर है कॉलेज के पास ये हमारा भूतिया बर्गर है कॉलेज के पास बर्गर यार नहीं बर्गद बर्गद होता है अनसेटल्ड डॉक्टर आते हुए हाय अनसेटल्ड कहाँ जा रहा है कपड़े किसके खुद के और अपनी गर्लफ्रेंड के